सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह देश आए दिन किसी न किसी देश की मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। एक ऐसा देश जिसे परमाणु परीक्षण करने का भूत सवार है। यह देश विश्व के ऐसे देशों में शुमार है जिन पर यूएन द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ के तानाशाह शासक पर इन प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होता है और ना ही इसे अपने देश की जनता की परवाह है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इस देश का क्रूर शासक अपने देश की जनता पर जुल्म और राज करता है। इस देश के कानून भी बहुत अजीबोगरीब हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से जुड़े अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। यह ईस्टर्न एशिया का एक देश है जो कि कोरियन आइलैंड्स के नॉर्दर्न पार्ट को बनाता है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है। फैक्ट नंबर 2, नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बहुत अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी जस का तस है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया में अभी 2021 नहीं 109वां वर्ष चल रहा है। फैक्ट नंबर 3, आपको पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर वहाँ के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वह सिर्फ 28 वेबसाइट का ही उपयोग कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, हमारे देश में जिस तरह हर रोड पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आपको कोई ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक को फीमेल ट्रैफिक ऑफिसर्स कंट्रोल करती हैं। फैक्ट नंबर 5, नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सी फूड का एक्सपोर्ट करने वाला देश है। यह पूरी दुनिया में अकेले 60% सी फूड का एक्सपोर्ट करता है। फैक्ट नंबर 6, नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने जोंगडोंग नाम की एक मॉडल सिटी बनाई थी ताकि साउथ कोरिया के लोगों को नॉर्थ कोरिया आने के लिए आकर्षित किया जा सके। फैक्ट नंबर 7, नॉर्थ कोरिया में कोरोना वायरस से पहले पीड़ित व्यक्ति को गोली मारने के आदेश वहां के शासक किम जोंग उन ने दे दिए थे, जिससे वहां पर कोरोना वायरस ना फैले। फैक्ट नंबर 8, नॉर्थ कोरिया की जनता को बस 28 वेबसाइट्स को एक्सेस करने की आज़ादी है। यहाँ के इंटरनेट को क्वांग म्यूंग या ब्राइट नाम से जाना जाता है। इंटरनेट सिर्फ उनके लिए फ्री है जिनके पास कंप्यूटर है। फैक्ट नंबर 9, नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर नेक्रोक्रेसी है। नेक्रोक्रेसी का मतलब होता है कि यह देश आज भी एक मर चुके शासक के अधीन काम करता है। फैक्ट नंबर 10, नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने बाल भी नहीं कटवा सकते हैं। यहाँ महिलाओं के लिए 28 और आदमियों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल्स निर्धारित किए गए हैं। फैक्ट नंबर 11, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने घर को रंग भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें सरकार के आदेश अनुसार इमारत पर ग्रे कलर का ही पेंट करना होता है और उन पर नेताओं की तस्वीर लगाने का भी एक नियम है। फैक्ट नंबर 12, नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो लगा हुआ है। नागरिकों को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में अगर आप बाइबल पढ़ते पकड़े गए तो वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। फैक्ट नंबर 14, अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि आप मोबाइल घर पर ही रख कर जाएं, क्योंकि वहां जाने पर आपके मोबाइल को एयरपोर्ट पर ही जब्त करने का नियम है और जब आप यात्रा पूरी कर कोरिया से वापस जा रहे होंगे तब आपको आपका मोबाइल वापस कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 15, नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन लोगों के पास चुनने को एक ही विकल्प होता है। फैक्ट नंबर 16, नॉर्थ कोरिया के लगभग 99% लोग शिक्षित हैं। इसे शायद इस पूरे देश की सबसे अच्छी बात कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 17, नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। वह लगातार गाइड के सुपरविजन में रहते हैं। उन्हें अकेले कहीं जाने या एरिया को एक्सप्लोर करने की परमिशन नहीं होती है। फैक्ट नंबर 18, नॉर्थ कोरिया की एक और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर आप किसी भी भीख मांगने वाले की फ़ोटो को नहीं खींच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।